अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करें? अखिल भारतीय संत मत सत्संग की तरीकत मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूरत, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है। मूर्ति किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, अपनी आत्मा से प्रश्न कीजिए कि भगवान का वो स्वरूप जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है उसको चुने। उसके बाद किस नाम से आप उनको याद करेंगे उसको भी चुने। मंत्र तो क्या हुआ, दो चीज आपने चुनी, एक अपना इष्ट देव और एक मंत्र। उसके बाद पूजा के स्थान पर जाइए, जिस स्थान पर बैठे हैं, जिस आसन पर बैठे हैं उसी आसन पर बैठे, बड़े प्यार से धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, बड़े आराम से बैठिए और बैठने के बाद ये महसूस कीजिए कि आपका इष्ट सह शरीर आपके सामने विद्यमान है। सशरीर भावना से अपने इष्ट को अपने सामने बनाए। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, ख्याल से बाय थॉट उसमें इतने लीन हो जाए कि जब तक आप ध्यान करते हैं तब तक और कोई विचार और ख्याल ना आए, पर आएगा। उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्टदेव की मूर्त अपने सामने बनाएं, फिर हटाइए अपने इष्टदेव की मूर्त अपने सामने बनाएं। जो मंत्र आपका है उसको उच्चारित होते सुनिए कि हमारे हृदय से हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो बड़े प्यार से अपने इष्ट का नाम विद फुल फोर्स जिह्वा से ले सकते हैं। इतना फोर्स उस नाम में होना चाहिए कि ना कोई दूसरा विचार रहे ना ख्याल, उसमें तल्लीन हो जाए, उसी की याद हो, उसी का ख्याल हो, समर्पित भाव से बड़े प्यार से अपने इष्ट के नाम को ले। आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल, ये दो समय निश्चित कीजिए और आधे घंटे में 20 से 25 मिनट ध्यान को दीजिए। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, ओम अल्लाह वाहेगुरु क्राइस्ट गॉड, वो क्या करें, वो कैसे ध्यान करें? बड़े आराम से बैठिए, बड़े प्यार से
उसके बाद ये महसूस करें कि हमारे हर दिल की धड़कन पर जो नाम आपने चुना है वह निकल रहा है, हृदय ओम ओम कह रहा है और पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है। उसके वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए और आनंदित होइए। बड़े प्यार से इस काम को करना है। जब भी कोई सांसारिक बात आपके ध्यान में आए, दिमाग में आए, उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्टदेव की याद में लगे, फिर हटाइए, अपने इष्टदेव की याद में लगिए। अगर आज ध्यान करते हुए आपके 100 विचार एक मिनट के अंदर आते हैं तो निश्चित समझिए, अगर ये अभ्यास आप बराबर करते चले जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई विचार आपके आगे नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने साधक की दृष्टि से गीता में 4 बात बताई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग्य। अभ्यास, अभ्यास पर बहुत भारी जोर है और सारी जिंदगी हम एक चीज का अभ्यास करते चले जाते हैं और उसकी परफेक्टनेस पर देखते चले जाते हैं। बड़े प्यार से अगर इस तरीके से अभ्यास करेंगे, बड़ी सुंदर स्थिति होगी। जब भी आप अपने इष्टदेव के चरणों में विश्राम चाहेंगे, बड़े प्यार से विश्राम मिलेगा, ना कोई दूसरा विचार रहेगा ना ख्याल, और हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, वो बताती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब विचार हट जाए अपने इष्टदेव के चरणों में, फिर दोबारा उस चीज़ को पकड़े, अपने इष्टदेव को दोबारा अपने इष्टदेव में ध्यान लगाइए। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। उनके संगे दर से कुछ है सी मोहब्बत हो गई, उनके संगे दर से कुछ है सी मोहब्बत हो गई। उम्र भर की एक सजदे मैं इबादत हो गई, उम्र भर की एक सजदे मैं इबादत हो गई। उनके संगे दर से कुछ है सी मोहब्बत हो गई। ए जुनूने शौक तक मुझ को मोहब्बत हो गई, ए जुनूने शौक तक मुझ को मोहब्बत हो गई। यार की सूरत वज़ाहिर मेरी सूरत हो गई, यार की सूरत वज़ाहिर मेरी सूरत हो गई। उम्र भर की एक सजदे मैं इबादत हो गई, उनके संगे दर से कुछ है सी मोहब्बत हो गई। उस सनम के आस्ता पे हमने सजदा कर लिया, उस सनम के आस्ता पे
हमने सजदा कर लिया, बेखुदी में आज ये कैसी इबादत हो गई, बेखुदी में आज ये कैसी इबादत हो गई। उम्र भर की एक सजदे में इबादत हो गई, उनके संगे दर से कुछ है सी मोहब्बत हो गई। जानो दिल कुर्बान तुझ पर ऐ जमाले नूरे यार, जानो दिल कुर्बान तुझ पर ऐ जमाले नूरे यार, जब तुझे देखा तो जाना वचनामृत की तिलावत हो गई, जब तुझे देखा तो जाना वचनामृत की तिलावत हो गई। उम्र भर की एक सजदे में इबादत हो गई, उनके संगे दर से कुछ है सी मोहब्बत हो गई। इस तमज्जो इस मोहब्बत इस इनायत के निसार, इस तमज्जो इस मोहब्बत इस इनायत के निसार, जिस जगह चाहा वहीं पर उनकी ज़ियारत हो गई, जिस जगह चाहा वहीं पर उनकी ज़ियारत हो गई। उम्र भर की एक सजदे में इबादत हो गई, उनके संगे दर से कुछ है सी मोहब्बत हो गई, उनके संगे दर से कुछ है सी मोहब्बत हो गई। उम्र भर की एक सजदे में इबादत हो गई, उम्र भर की एक सजदे में इबादत हो गई, उम्र भर की एक सजदे में इबादत हो गई।
आपके यहाँ तो बहुत कम लोग हैं। वो कहते हैं कि हमें तो एक के ही खोज है जिसे ये विद्या दे दूं और ये विद्या कायम रहे तो परमात्मा हमारा भगवान हम पर बहुत कुछ होगा। एक बार कानपुर का भंडारा था, उस भंडारे में लखनऊ के प्रोफेसर साहब लाला जी के शिष्य थे, पधारे हुए थे। उन्होंने इस भंडारे में ऐलान किया कि मेरी भाई बिजमोहन लाल जी से प्रार्थना है, अगर मान लें। बोले क्या प्रार्थना है? एक तो इनकी जो मुसलमानी वेशभूषा है उसे बदल लें। सही बात है, दाढ़ी रखते थे, मुसलमानी ढंग की टोपी पहनते थे, वह भी लखनऊ सूफी टाइप की पहनते थे। दूर से ऐसा मालूम होता था कि मुसलमानी वेशभूषा है। वैसे धोती कुर्ता पहनते थे। उन्होंने ओपनली कहा, एक तो ये वेशभूषा बदल दे जो मुसलमानी है, और दूसरे गेरुआ वस्त्र धारण कर ले तो सारा हिंदुस्तान का शिष्य हो जाएगा, इनको प्रचार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब आप बोले, आंखों में आंसू भरकर आंसू आ गए और कहने लगे, भाई बहनों, इन्होंने गारंटी दी है कि सारा हिंदुस्तान मेरा शिष्य हो जाएगा अगर एक भी आत्मा को परमात्मा से मिला सका तो मेरा मिशन पूरा हो जाएगा, मेरा मालिक मुझसे खुश होगा। ऐसा इस सत्संग का आदर्श रहा, ऐसी आदर्श था। तो यह है, इसलिए यह सेवक कहता है कि जल्दी हरगिज मत करो जब तक आप खुद ना देख लो कि वाकई में ये इंसान अध्यात्म में इंटरेस्टेड है, तभी पूजा सिखाएं, नहीं तो नहीं। अगर आपको विश्वास हो जाए तभी उसे आगे बढ़ाएं। भीड़ का कोई फायदा नहीं। अगर आपने एक काम कर लिया, कहा और उसे करते नहीं तो क्या फ़ायदा। तो आप अच्छी तरह देख लीजिए कि हमें क्या करना है, अभ्यास करना है, हमें कैसे अपने जीवन को बनाना है, कैसे हमें सत्संग के आदर्शों का पालन करना है, कैसे हमें ज़िंदगी बनानी है। तब आप आइए, ऐसी आपकी ज़िंदगी थी और उनसे सच्ची सेवा होती थी। उनके ज़िंदगी में बड़े बड़े वाक्यात हुए, बड़े मौके आए। सच ये है, सबसे बड़ी बात कि ही वाज़ ए रियल मास्टर, अध्यात्म के रास्ते को अच्छी तरह जानते थे और सच्ची गाइडेंस में आपको देते थे, और ऐसी गाइडेंस देते थे कि जो भूले नहीं, याद रखे। देखते रहते थे, चुटकुलियाँ लेते रहते थे, और चुटकुला लेते लेते उसी बात को बताते थे। मुझे याद आया, उस वक्त एटा में थे, वहाँ एक सूफी जी थे, उनके एक शिष्य थे। सूफी जी का शरीर पूरा हो गया, उनके शिष्य को पूर्ण विद्या ना प्राप्त कर सके, कुछ कमियां रह गईं। चौकी शिष्य भी एटा में थे और उन्होंने उन्हें सच्ची लगन थी। वह सूफी जी के मज़ार पर जाकर बैठते, दुआ करते। एक रात सपना हुआ कि उनको यहाँ एक सूफी जी हैं, आप उनके पास जाइए, आपका काम बन जाएगा। और स्वप्न उनको दर्शन हुए दद्दा जी महाराज के। वह कितने ही दिनों तक इनकी तलाश करते रहे, लेकिन दद्दा जी महाराज के उन्हें नज़र नहीं आए। किसी ने बताया कि यहाँ पर एक सूफी जी हैं, लगते तो मुसलमान जैसे हैं, मुसलमान भाई उनको सूफी कहते हैं, और हिंदू भाई उनको महात्मा कहते हैं। फिर वे वहाँ पहुँच गए और फौरन पहचान लिया, बड़े अदाब से अपना स्वप्न आपको बताया। आपने फरमाया ठीक है, आप आया करिए, आते रहे और फैजियाब होते रहे, कोई बात नहीं, बराबर आते रहे।
जब इनके पीर साहब का उर्स आया तो मिलने आए, कहा कि साहेब उर्स है आप आवे। उन्होंने उसका पर्चा दिया, ले लिया। लेकिन जिस अदब और अदाब के साथ आपको इनवाइट करना चाहिए था, उस तरीके से आपने इनवाइट नहीं किया, वो बात नहीं थी। बोले कि देखो भाई ऐसी बात है, मैं घरवाली से मालूम कर लूँ, अगर वे इजाज़त देंगी तब मैं आऊँगा उसमें, अन्यथा नहीं। आप तशरीफ़ रखे, बैठ गए, इंतज़ार करने लगे और आप घर के अंदर जाकर बैठ गए, ऐसे कुछ हुआ ही नहीं। आधा घंटा, घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटा, चार घंटे तक बैठे रहे, फिर भी आप बाहर नहीं आए। आप सोचने लगे कि ये तो जनपरस्त है, बाहर निकलेगा नहीं। बीबी के पास जाकर बैठ गया, मन तो शैतान होता है, उठकर चले गए। उर्स किया, ठीक रहा, लेकिन उर्स ख़त्म हुआ। उस रात को उन पीर साहब ने दर्शन दिए स्वप्न में कि पीर साहब ने कहा कि तेरा उर्स मुकम्मल नहीं हुआ, तूने उन सूफी जी को तो बुलाया नहीं। तब तो बड़ा खटका। फिर हजूर के पास आए और बोले कि आप नहीं आए तो मेरा उर्स मुकम्मल नहीं हुआ। ऐसे मेरे पीर साहब ने स्वप्न में फरमाया। आपने कहा अच्छा अच्छा, आइंदा जब दोबारा उर्स होगा तो चलेंगे। फिर ऐसे रास्ते पर डाल देते थे, बहुत ऊंची उनकी तामील थी, ये उनका तरीका था। स्वप्न से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा सच्चा ज्ञान मिलता था, उसका इम्प्रेशन सारी ज़िंदगी नहीं भूलता, कभी जाए नहीं, ये उनकी विशेषता थी। एक बार ऐसा हुआ कि कानपुर में बैठे थे महात्मा रघुबेदाल जी महाराज, उनके पिताजी, वे भी कानपुर में थे। लगभग 8:30 बजे जब सत्संग समाप्त हुआ तो कहने लगे कि झांसी जाना है। आपके पिताजी ने फरमाया कि क्या बात हो गई, क्या बात है? बात चली रही थी कि इतने में तार आ गया, ट्रांसफर टू झांसी, ज्वाइन इमीडिएटली, लीव बाय फर्स्ट ट्रेन, जाना है, ऑर्डर है, नई जगह थी। कभी झांसी नहीं गए थे। एक रिटायर्ड वकील साहब जो पूज्य चाचा जी महाराज के पास आते रहते थे, आपने चाचा जी महाराज ने उनसे कहा कि बड़े भाई के साथ इन्हें बड़े कहते थे, आप चले जाओ। वकील साहब रिटायर्ड लाइफ लीड कर रहे थे, उनके साथ चले गए और प्रातःकालीन दोनों झांसी पहुंच गए। झांसी पहुंचे पर बाजार गए, बोले कि भाई दफ्तर जाने से पहले कुछ नाश्ता कर ले। बाजार में पहुंचे, एक हलवाई की दुकान पर, उत्तर प्रदेश में झांसी का नाश्ता उस ज़माने में नाश्ता आता था, देसी घी की जलेबी और दूध, एक पाव जलेबी और आधा सेट दूध लिया, नाश्ता करने लगे। इतने में क्या हुआ कि एक फ़कीर आ गया, उसके आते ही सारी दुकानों के शटर्स फटाफट बंद होने शुरू हो गए। जहां उसकी शक्ल देखी फटाफट सारे दुकान के शटर्स बंद करने लगे। बाजार में शोर मच गया, कहने लगे भागो भागो। तो ये तो दूध पी रहे थे, दुकानदार ने भरसक कोशिश की कि ये लोग अंदर आ जाए, लेकिन ये नहीं गए। वह दुकान का शटर नहीं डाल सका और इत्फाकन वो फ़कीर वहीं पर ही आ गया और इन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि दूध पिला दे। इन्होंने कहा हाँ भाई ज़रूर भाई, आधा शेर दूध और एक पाव जलेबी इसे भी दे दो। इसके बाद और मांगा,
फिर आधा सेब दूध और एक पाव जलेबी उसे और दिला दी। उसका पेट भर गया, डकारें लगी। उसके बाद और जिद करने लगा कि और खाऊंगा। बोले पेट तो भर गया, खामा खान जिद कर रहा है। वह जिद करने लगा कि नहीं खाऊंगा। अच्छा खाओगे, एक पैसे का दूध और जलेबी और दे दो। हलवाई ने दिया, लेकिन वह होठ से छू ना सका। भरसक कोशिश की। उसके बाद उसको गुस्सा आ गया, झल्ला गया, और झल्ला कर उसने शेर पढ़ा कि यह दर्द दिली तो है जिससे उसे पाते हैं। और उसके बाद वह क्या कहता था कि यह कहने के बाद बद्दुआ देता था, उसकी बद्दुआ सफल हो जाती थी। इसलिए ही वाज़ टेरर इन झांसी, कोई उसके सामने नहीं पड़ता कि भाई बद्दुआ ना दे दे। उसकी बद्दुआ लग जाती थी। उसने कहा कि यह दर्द दिली तो है जिससे उसे पाते हैं। आपने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और हाथ पकड़ कर बड़ी ज़ोर से झटका और कहा, अरे कमबख्त, ये दर्द दिली तो है जिससे उसे पाते हैं। अब खुदा भला करे उनका जो दिल दुखाते हैं। झांसी में छोटे छोटे टीले हैं। एक टीले पर चढ़ा और अल्लाह अकबर का नारा लगाकर छलांग लगा दी, शरीर छोड़ दिया। बात क्या थी? बात ऐसी थी कि मैं सताया हुआ था। छोटी उम्र में उसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया, छोड़कर चले गए। उनके रिश्तेदारों ने उसे लूटा, खसोटा, बहुत तंग किया और तंग करके तंग होकर वह दुनिया छोड़कर परमात्मा की ओर लगा, क्योंकि उसका दिल टूटा हुआ था, दुखाया हुआ था। भगवान के सम्मुख बहुत रोया और उसे ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई थी कि जो कह दे सो हो जाए, ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई थी। क्योंकि वह संसार का सताया हुआ था इसलिए बद्दुआ ही देता था, और उसके सामने जो पड़ता ये कहकर कि यह दर्द दिली तो है जिससे उसे पाते हैं, बद्दुआ दे देता। महाराज ने उसका हाथ झटका और कह दिया कि दर्द दिली तो है जिससे उसे पाते हैं, खुदा भला करे उनका जो दिल दुखाते हैं। तुझे उन्हें दुआ देनी चाहिए कि तेरे दिल को चोट पहुँचा कर उन्होंने तुझे अल्लाह के से मिला दिया, आगे बढ़ा दिया, परमात्मा की तरफ लगा दिया। तुझे तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि परमात्मा अल्लाह उनका भला करे, भगवान उनका भला करे जिसने तुझे चोट पहुँचाकर ईश्वर तक लगा दिया। दुआ करो, ये उनकी ज़िंदगी का एक वाक्या सेवक ने आपके सामने रखा। कितना ऊंचा वह संत था, बहुत से वाक्यात थे। जितने भी सत्संगी भाई जाते दुनिया भूल जाते, कहते थे कम मौका मिले उनके पास बैठने का, और डर भी लगता था, चुपके चुपके देखते रहते। ऐसी सुंदर हस्ती थी, उनके पास बैठने से विचार शून्य मन अपने आप हो जाता था, चित्त का निरोध अपने आप उनके पास बैठने से होता था। खाली सोबत से विचार शून्य अवस्था प्राप्त होती, और जहाँ मन शांत हुआ, आत्मा से सीधा संबंध, आत्मीय अवस्था, चिरयुक्त आनंद, आनंदी आनंद, परमानंद की अवस्था प्राप्त होती। भूल जाते कि घर भी जाना है, वे याद दिलाते कि भाई तुम्हारी तो छुट्टी ख़त्म हो गई, अब कल दफ्तर जाना है। हाँ साहब, तो कहते तैयारियाँ करो, पहली गाड़ी से जाओ। उनको याद दिलाना पड़ता, सब भूल जाते। ये हालत थी, ऐसा ऊंचा व्यक्तित्व था।
ऐसे वे महापुरुष थे, उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी। एक घटना मैं उनकी आपके सामने रखूंगा। उस जमाने में फतेहपुर में थे, रात को अक्सर बहुत देर से सोते, बदन उनका दुखा करता, बदन में दर्द हुआ करता, खास खास कर जो सत्संगी भाई थे उनसे ही बदन छुआते, सबसे नहीं। ऐसे लोग हाथ पैर दबाते, सिर गर्म रहता, हल्के हल्के हाथों से उंगलियों से सिर में तेल लगवाते, बहुत मुलायम हाथों से, रात के 2 बजे सोते, सुबह 5 या 6 बजे उठ जाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे की नींद। एक बार क्या हुआ कि रात में बैठे हुए थे, ध्यान में बैठे थे, रात के 1-2 बजे का समय रहा होगा, बाबू शिव नारायण प्रताप एडवोकेट जो बहुत ही डिवोटेड श्रद्धालु सच्ची सेवा करने वाले भक्त थे, बेबी वहाँ बैठे हुए थे, बैठे बैठे आपका शरीर एक तरफ को लग गया, उठाया, डॉक्टर ने कहा कि हार्ट फेल हो गया, इनमें कोई हरकत नहीं, दिल की धड़कन बंद हो गई। पूजनीय माता जी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, गलत है, आपकी आज्ञा से फौरन अंगीठी जलाई गई, हाथ पैरों को तेजी से गर्म करना शुरू किया। पूजनीय माता जी ने कहा कि जितने हमारे बुजुर्ग हुए आज तक सब कह कर गए, ये कैसे हो सकता है कि बिना कहे चले जाएं, कम से कम कुछ इशारा तो करते जाने का, कोई इशारा नहीं किया, हमें विश्वास नहीं, सिकाई की गई। और थोड़ी देर बाद हृदय की धड़कन शुरू हो गई। जब सुबह डॉक्टर को पता लगा कि ये तो जिंदा हो गए, बड़ी शर्म करते हुए आए, और जानते थे कि सूफी हैं, बड़ी हलचल शहर में हो गई, लोग मालाएं और फूल लेकर आने लगे। उसके बाद आपको लो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में दरख्वास्त देकर अपना ट्रांसफ़र यहाँ से फौरन करा दिया जाए। इस अर्जी का ट्रांसफ़र एटा हुआ। उस ज़माने में एटा में रेलगाड़ी नहीं थी, जब सारा सामान ट्रक पर लग गया तब घर से बाहर निकले, इतनी ख्याति से अपने आप को बचाते थे, किसी किस्म की ख्याति नहीं चाहते थे, इतना आपको अपने आप को छिपाते थे। कुछ दिनों बाद जब एटा जाना हुआ तो परम पूज्य माता जी ने थोड़ा बहुत बताया कि क्या हुआ था, लेकिन हमारे महाराज जी को इससे संतुष्टि नहीं हुई कि क्या हुआ क्या नहीं। रात को सोने के बाद जब सुबह उठकर गए चरण छूने, तो श्री सद्गुरु जी महाराज के तब परम पूज्य माता जी ने आप अपना स्वप्न सुनाया, बोली कि रात को हमने स्वप्न देखा। बोले क्या स्वप्न देखा सुनाओ, तब सब सुना स्वप्न सुनाया।